हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर लिमिट्स। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर आई वांट टू आस्क यू, आर यू पुशिंग योर लिमिट? इफ यू वांट समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन। आस्क योरसेल्फ, आर यू स्टडिंग इनफ टू अचीव योर गोल? आर यू वर्किंग हार्ड एट योर मैक्सिमम पोटेंशियल? एंड इफ द आंसर इज नो, देन नाउ इट्स द टाइम। It's not day after tomorrow, it's not tomorrow, it's not today. It's now when you have to start pushing your limit. Change does not happen overnight. You have to keep pushing yourself daily and challenge your own limit. And once you start pushing your limit, a time will come when the limit will tend to infinity and then nothing is going to stop you from achieving your goal. So you are ready to push your limit? Yes? So आइए शुरू करते हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन, पहले तो ये समझते हैं कि लिमिट का मतलब क्या होता है। एक बार इसका मीनिंग समझ में आ जाए तब इस चैप्टर में बहुत ही अमेजिंग फील आती है। एग्जैक्ट वैल्यू या वैल्यू जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, तो अगर कोई फंक्शन है हमारे पास और अगर मैं किसी पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा हूं तो हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू लेट से ए, हम उस फंक्शन में एक्स की जगह ए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और जो भी आउटपुट आता है दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये जो चीज होती है लिमिटिंग वैल्यू, जो कि हमारा चैप्टर है, उसका मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज अप्रोचिंग टू सम वैल्यू व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू सम पॉइंट। अगर एक्स किसी पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जो फंक्शन है अपना एफ एक्स, वो किसको अप्रोच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, If we say f x is approaching to b when x is approaching to a, इसको बोलते हैं limiting value। और उसको लिखा कैसे जाता है ये देख लीजिए भाई। Limit का lim x tends to a बोलो या approaching a बोलो, common भाषा में हम tends to a बोलेंगे। x is tending to a, then f x is tending to b। यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि ये जो a है x a के इक्वल नहीं है, x a के बिल्कुल क्लोज है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। और जब x a के बिल्कुल क्लोज है तब f x किसके क्लोज है, b के, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। लेकिन यहां पर ये जो a और b हैं, These two are exact values। भाई जो डेस्टिनेशन है वो तो डेफिनेट होनी चाहिए। ये x a को अप्रोच कर रहा है तो ये a x की डेस्टिनेशन हो गई, वो डेस्टिनेशन पिन पॉइंटेड होनी चाहिए। अब x a के इक्वल नहीं है मतलब उसने अपनी डेस्टिनेशन को अभी तक अचीव नहीं किया है। उसी तरीके से f x किसको अप्रोच कर रहा है, b को, तो ये b जो है ये हो गई इसकी डेस्टिनेशन। बट यहां पर एफ एक्स जो है वो b के इक्वल नहीं हुआ है क्योंकि x a के इक्वल नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अपन वैल्यू और लिमिट इन दोनों में कंपैरिजन करके देखते हैं। जैसे एक फंक्शन है अपने पास x प्लस वन, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि f ऑफ वन की वैल्यू क्या है, टू है। अगर कोई ये पूछे कि x 1 को अप्रोच कर रहा है तब ये फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, देखो भाई ऑफिशियल तरीका तो ये है कि अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है, ये ले लिया मैंने, f ऑफ x कितना आ जाएगा 1.99। तो हम देख सकते हैं कि जब x 1 को अप्रोच कर रहा है, खैर ये दोनों वैल्यूज मैंने 1 से छोटी ली है, मैं 1 से बड़ी भी ले सकता हूं, तो fx किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है। जितना x 1 के क्लोज आ रहा है
fx उतना ही 2 के क्लोज आ रहा है. सो वी कैन से दैट व्हेन x इज टेंडिंग टू 1, fx विच इज x प्लस 1 हियर इज टेंडिंग टू 2. अब यहां पर कोई बोलेगा कि सर ये तो आपने x को 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 2 आ गया. बिल्कुल किया है, बट करने के पीछे रीजन क्या है? ये प्रॉपर तरीका है. ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं करते बैठेंगे, क्योंकि हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ भाई एक्स अगर वन को अप्रोच कर रहा है और मुझे प्लस वन करना है तो वो टू को अप्रोच करेगा. सिंपल सा मैथमेटिक्स है, सिंपल सा लॉजिक है, हमने सब्स्टिट्यूट करके देख लिया. बट क्या यहां पर एक्स वन के इक्वल है? नहीं. क्या ये फंक्शन टू के इक्वल है? नहीं. बट एक्स जिस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है वो पॉइंट दिस वन is absolute one. It is not lesser than one. It is not greater than one. You cannot say ki x is approaching to a number lesser than one. By lesser than one matlab kitna lesser? How do you define less? It's a very relative figure na. Jaise for example, agar apan interplanetary distance ki baat kar rahe hain, to 25-50 kilometer se to koi farak hi nahi padta hai. But wahi agar किसी शार्प शूटर को किसी ने हायर किया किसी बड़े इंसान को करने के लिए, और मान लो कि वो शार्प शूटर से, मतलब वो भाई बहुत दूर से एकदम मस्त उसने निशाना लिया और 2-3 mm का डिफरेंस आ गया, तो जो बड़ा आदमी है वो तो नहीं जाएगा, जो बगल में सेक्रेटरी है वो. तो यहां पर प्लेनेट की बात करें तो 25-50 किलोमीटर इज अ वेरी स्मॉल नंबर, और ये शार्प शूटर भाई के एग्जांपल की बात करें तो 2-3 mm से भी बहुत फर्क पड़ जाएगा. सो भावनाएं समझ रहे हो? लेसर इज नॉट एन एब्सोल्यूट थिंग. तो अगर मैं ये बोलूं कि x इज टेंडिंग टू अ नंबर विच इज लेसर देन या स्लाइटली ग्रेटर देन 1, तो वो कितना ग्रेटर? सो दिस पॉइंट हैज टू बी एब्सोल्यूट. This value has to be absolute. चलिए एक और example समझते हैं. जैसे ये है एक function fx equals to x square minus 1 upon x minus 1. अब इस पे अगर कोई मेरे से पूछे कि f of 1 की value क्या है, तो भाई ये defined ही नहीं है. ऊपर 0 बन रहा है, नीचे 0 बन रहा है. 0 upon 0 is not defined. Provided that 0 is exact 0. मैं ये word exact 0 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आप जो video देख रहे हो थोड़ा बहुत आइडिया हो लिमिट का, तो ये मत बोलते बैठना कि नहीं सर 0/0 तो फलाना ढिमकाना होता है, एलोपिथल हो जाता है, ये सब आई विल बी कमिंग अप टू दैट. ओके, यहां पर 1 पर ये बन रहा है परफेक्ट 0, एग्जैक्ट 0. इट इज नॉट अप्रोचिंग टू 0. सो दिस इज 0, दिस इज 0. 0 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. देयर इज नो डाउट इन दैट केस. न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में 0, या डिनोमिनेटर में सिर्फ 0 की बात करूं और अगर वो 0 एग्जैक्ट है, so number does not exist. अब इसी जगह पे अगर मैं लिमिट निकालने की बात करूं x tending to 1 पर, तो ध्यान दीजिएगा भाई कि x 1 के इक्वल नहीं हुआ है, x 1 को अप्रोच कर रहा है. जैसे ये फंक्शन है भाई, चलो एक आध एग्जांपल लेंगे, ज्यादा मैं आपको पकाऊंगा नहीं. न्यूमरेटर को मैंने इस तरीके से फैक्टराइज कर दिया. अब अगर मैं x टेंडिंग टू 1 की बात कर रहा हूं, लेट से मैंने x को ले लिया 0.99. अब ये 0 नहीं है, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 0 बट इट इज नॉट 0. तो आप इसको बिंदास कैंसिल कर सकते हो और नाउ दिस वैल्यू इज 1.99, इट इज अप्रोचिंग टू 2. तो ऐसे ही और भी नंबर्स ले लो. एग्जाम्पल जो अपन ने यहां पर लिए हैं वो सब एग्जाम्पल्स ले लो. सो यू कैन सी दैट एफ एक्स इज अप्रोचिंग टू 2. सो इस केस में लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? 2. हाँ, अब कोई बोलेगा कि सर यहां पर x-1 को कैंसिल कर दो और फिर भी तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 आ जाता. भाई x-1 को कैंसिल नहीं कर सकते अगर वो 0 बन रहा है तो. यहां पर जो चीज है ना वो 0 के क्लोज है बट वो 0 नहीं है. डिफरेंस समझ लो, छोटा सा डिफरेंस बस है. और इस चैप्टर में अपन छोटी छोटी बात ही करेंगे,
अमोल पालेकर साहब की बहुत ही गजब मूवी है छोटी छोटी बात, छोटी छोटी सी बात है। एनीवेज आई एम श्योर कि आपने देखी होगी, नहीं देखी तो देख लो, अच्छी मूवी, बहुत ही अमेजिंग मूवी। सो हियर आई एम, दिस वैल्यू इज अप्रोचिंग टू टू। यहां पर भी ऑपरेट करने का तरीका क्या है, अगर ऐसे नंबर सब्स्टिट्यूट करके नहीं देखना है तो फैक्टराइज किया x माइनस वन को कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू वन, इट इज अप्रोचिंग टू वन। बार बार वही वर्ड बोल रहा हूं, इट इज अप्रोचिंग टू वन, तो x माइनस वन को कैंसिल कर देते हैं, ये x प्लस वन के इक्वल आ जाएगा, फंक्शन जो इधर बचा हुआ रहेगा। और फिर आप देख लो कि अगर x वन को अप्रोच कर रहा तो x प्लस वन इज अप्रोचिंग टू टू। तो ये दो एग्जाम्पल से क्या देखने को मिला, वॉट इज द रिलेशन बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू। सही समझे आपने, देर इज नो रिलेशन बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन साइडेड लिमिट भाई, यहां पर जब हमने x टेंडिंग टू 1 की बात करी है तो ये नंबर क्या है, 1 के क्लोज है बट 1 से छोटा है। ये नंबर क्या है, 1 के क्लोज है बट 1 से छोटा है। ये नंबर क्या है, 1 से क्लोज है बट 1 से बड़ा है। जब हम अप्रोचिंग की बात करते हैं तो भाई दोनों साइड से अप्रोच हो सकता है ना, इस साइड से भी हो सकता है, इस साइड से भी अप्रोच हो सकता है। तो अगर हम इधर से अप्रोच करते हैं, मतलब फ्रॉम अ वैल्यू लेसर देन a, इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब वैल्यू ग्रेटर देन a से अप्रोच करते हैं a की तरफ, कर अप्रोच a को ही रहे हैं, तब इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। मैं लिख के भी बता देता हूं, मतलब लिखा हुआ है, मेरे पास टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f(x) व्हेन x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब वैल्यू लेसर देन a। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा भाई, ये फॉन्ट्स थोड़े छोटे हैं। x टेंडिंग टू ये a और a के ऊपर ऐसा माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है दैट वी आर अप्रोचिंग टू a फ्रॉम अ वैल्यू लेसर देन a। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। और उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट में ये प्लस लिखा हुआ है बट वो दिख नहीं रहा है प्लस, बट दैट इज a पॉजिटिव, a पॉजिटिव नहीं बोलते हैं, a प्लस बोलते हैं, वो मैं ब्लड ग्रुप वाले एरिया में चले गया। इसका मतलब x इज अप्रोचिंग टू a फ्रॉम अ वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन a। ओके, चलिए लिमिट एट अ पॉइंट x इक्वल टू a एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a आर इक्वल एंड फाइनाइट। वैसे भी जब इक्वल बोल दिया है तो फाइनाइट बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम इनफाइनाइट क्वांटिटीज को इक्वल नहीं बोलते हैं भाई। हमारे रेफरेंस में अंबानी जी के पास इनफाइनाइट पैसा, अदानी जी के पास इनफाइनाइट पैसा, बट क्या वो इक्वल हैं? नहीं है। सो इनफाइनाइट क्वांटिटीज को अपन इक्वल नहीं बोलते हैं, इक्वल वर्ड आ गया मतलब दे आर फाइनाइट। चलिए, तो अगर किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दे आर इक्वल, देन वी से लिमिट एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट, और उसको फिर इस तरीके से लिख देते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू a। तो क्या हमेशा LHL और RHL को अलग अलग काउंट करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा कब नहीं करना पड़ेगा, ये काफी हद तक के डिपेंड करता है अपने नॉलेज पर। अपने को फील आ जाती है भाई कि क्या ये फंक्शन, जैसे x प्लस वन जो है, हमें ये पता है कि अगर मैं x की वैल्यू 1 से ज्यादा लूंगा तब भी वो 2 को अप्रोच कर रहा है, x की वैल्यू 1 से कम लूंगा तब भी वो 2 को अप्रोच कर रहा है। सो इवन फॉर द एग्जाम्पल वी हैव टेकन LHL एंड RHL, बट ये करने की भी जरूरत नहीं थी, कई बार करना पड़ेगा क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आएंगे। कब ऐसा होता है कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे, बट यू हैव टू ट्रस्ट योर नॉलेज। समझ में आया? चलिए फिर इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। सबका आंसर आ गया होगा भाई, -4। देख लो भाई, पहले तो सोचो कि क्या यहां पर LHL और RHL
अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं है सर, मुझे तो पता है कि नहीं है, बट आप भी फील करो। मैं इसको फैक्टराइज करता हूं। अब क्योंकि x माइनस टू को अप्रोच कर रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू माइनस टू। दिस थिंग एंड दिस थिंग, दे बोथ आर अप्रोचिंग टू जीरो बट दे आर नॉट जीरो। एकदम जीरो के क्लोज हो जाएंगे भाई, बिल्कुल, जिसको अप्रोक्सीमेटली जीरो बोलने में कोई हर्ज नहीं है, बट स्टिल दे आर नॉट जीरो। तो यहां पर ये कैंसिल कर देते हैं। अब यहां पर आप माइनस टू सब्स्टिट्यूट कर दो बिंदास, उससे पता चल जाएगा कि ये फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है। जब एक्स माइनस टू को अप्रोच कर रहा है तो माइनस टू इज माइनस चार। बोलो गणपति जी की जय जयकार। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है, सॉल्यूशन स्किप कर सकते हैं। जिन लोगों का नहीं आया है, फिर से वीडियो को पॉज करो और सोचो। चलिए देखिए भाई, ऐसा है कि यहां पर अपन LHL और RHL अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना भाई, ये एक ऐसा फंक्शन है जो अपना रंग बदलता है इंटीजर पे। शायरी बनाई जा सकती है इस पे, फिर किसी दिन बनाएंगे। रंग बदलता है इंटीजर पे। तो ये x टेंडिंग टू जीरो है, जीरो एक इंटीजर है, तो जीरो से कम पर इसका बिहेवियर अलग होगा और जीरो से ज्यादा पर इसका बिहेवियर अलग होगा भाई। और यही वजह है कि हम LHL और RHL अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। LHL का मतलब x टेंडिंग टू जीरो माइनस दिस इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये जो जीरो माइनस है ना, वो इस इंटरवल में लाया करेगा और ये भी बहुत दूर चलेगा भाई अपन माइनस वन तक के। इट इज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो। तो यहां पर जो इसका आउटपुट आएगा, दैट इज माइनस वन। और फिर जब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें x टेंडिंग टू जीरो प्लस, मतलब जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट अगर x जीरो से वन हो, जीरो पर क्लोज्ड ब्रैकेट दैट इज जीरो, तो जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, लेट्स से 0.0001, ये आउटपुट आएगा जीरो। आर दे इक्वल? ऑब्वियसली नॉट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एज सिंपल एज दैट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जिन लोगों का यह आंसर सही आ गया, वेरी गुड। यहां पर क्या हो रहा है भाई, जो ये पॉइंट है जिसको एक्स अप्रोच कर रहा है, वहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ही चेंज हो जा रही है। डेफिनेशन चेंज होने का मतलब समझते हो ना, एक्स लेस देन इक्वल टू 3 के लिए कुछ और, एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए कुछ और। तो देखते हैं भाई कि जो चेंज हो रहा है, इसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है। अब देखो, यहां पर भी कई बार बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आता है कि LHL के लिए कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं। भाई LHL का मतलब ये है x टेंडिंग टू 3 फ्रॉम अ वैल्यू लेसर देन 3, मतलब लेस देन 3 की बात हो रही है। देख लो कौन सा फंक्शन है लेस देन 3 के लिए। ये इतना टफ नहीं है, बस ये है कि मीनिंग समझ में आना चाहिए भाई अपने को। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये फंक्शन है जो कि लेस देन 3 के लिए एग्जिस्ट करता है। अब यहां पर ये 3 सब्स्टिट्यूट किया, ये वैल्यू आ गई 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। RHL के लिए x 3 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम अ वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 के लिए कौन सा फंक्शन वैलिड है? ये ऊपर वाला नहीं ना, नीचे वाला। यस, तो मुझे नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन क्यों होता है, बट खैर बच्चे तो बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, कंफ्यूजन होता है तो हमारा काम है उसको दूर करना। 3 को सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो गया 11। इक्वल नहीं, लिमिट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, एज सिंपल एज दैट।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करो 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई आंसर क्या आ रहा है, 1 डज नॉट एग्जिस्ट, 3। जिन लोगों का तीनों पार्ट का सही आंसर आ गया है वेरी गुड, सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। जिन लोगों का नहीं आया है, देखो ये समझना है कि भाई ये क्वेश्चन टफ नहीं है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, यू डोंट नो हाउ टू रीड ग्राफ, और उसी चीज को समझना है। तो ध्यान से सुनिएगा ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं भाई। चलिए भाई देखो ऐसा है कि इधर लिखा हुआ x टेंडिंग टू जीरो और fx के बारे में पूछ रहे हैं, क्या आंसर आंसर सब में मिटा देते, ठीक है भाई। ये तो क्या वो डाइवर्ट करते हैं अपना फोकस, x टेंडिंग टू जीरो, x मतलब x एक्सिस, थैंक यू सर, और ये अपना fx। तो x एक्सिस के साथ अपने को y कहां पर अप्रोच कर रहा है, कहां जा रहा है वो समझना है। That is going to be our answer. यहाँ पर जरा कलर पे ध्यान देना भाई कि x tending to zero पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं पहले, तो ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये कलर दिख रहा है पर्पल। अब जब ये जीरो को अप्रोच कर रहा है सो दिस इज द ग्राफ है ना, ये रेड कलर से ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर ये देखो ये किसको अप्रोच कर रही है, ये इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है भाई, और ये पॉइंट की वैल्यू क्या है 1। तो x 0 को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, इधर 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 नीचे देखने का और इधर फंक्शन को देखने का, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। x तो अपने को पता है, x टेंडिंग टू 0 माइनस, फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, फंक्शन मतलब ये ग्राफ, ये ग्राफ को देखो ध्यान से जरा, ये देखो एरो को, ये किसको अप्रोच कर रहा है 1 को, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1। अब अपन 0 पर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, तो जीरो को अपने को अप्रोच करवाने का है इधर से, मतलब फंक्शन किधर, ये रहा दिख रहा है ये, ठीक है। एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ये उसी के हिसाब से फंक्शन है ना, ये इसके साथ ये फंक्शन दिख रहा है, ठीक है, वो भी किसको अप्रोच कर रहा है 1 को, तो ये 1 आ गया, दोनों इक्वल हो गए, यही लिमिट की वैल्यू हो गई। अब एक्सटेंडिंग टू 1 पर पहले बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। चलिए भाई तो 1 को अप्रोच करना है अपने को फ्रॉम अ वैल्यू लेसर देन 1, दिख रहा है ये 1 है, ये 1 को अपन अप्रोच कर रहे हैं, वो एरो का मतलब 1 को अपन अप्रोच कर रहे हैं, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया भाई अपने के साथ। अब उस टाइम पर ये जो फंक्शन है, देखो फंक्शन भी जो ना 1 के हिसाब से ही इधर जा रहा है, ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये इस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। क्या f ऑफ 1 इक्वल टू 2 है, नहीं, यहां पर एक गोला बना हुआ है भाई। बट क्या एग्जैक्ट वैल्यू से अपना कोई कंसर्न है, नहीं, अपने को तो क्या देखना है कि x 1 को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, x 1 को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे x 1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम अ वैल्यू लेसर देन 1, यहां पर ये फंक्शन अप्रोच कर रहा है इधर, ये किसको अप्रोच कर रहा है, इधर देखो वैल्यू 2 है, सो दिस इज 2, वो 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, वी डोंट केयर। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज अब आएगी भाई, 1 को अप्रोच करना है फ्रॉम अ वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 1, मतलब किस साइड से, इस साइड से ना, ठीक है ना भाई, ये 1 को अप्रोच कर रहा है और अपन इस साइड से कर रहे हैं, मतलब 1 के राइट साइड से। अब इसके हिसाब से जो ग्राफ है वो ये है, देख लो भैया अपन ने इधर ही ऐसा मतलब मैचिंग मैचिंग बना दिया, मैचिंग मैचिंग, और ये किसको अप्रोच कर रहा है, क्या ये 2 को अप्रोच कर रहा है, देखो ये किसके सामने है, ये वैल्यू क्या है 3। तो जब x 1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम अ वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 1, ये ग्राफ इधर ये 3 को अप्रोच कर रहा है, तो राइट हैंड लिमिट हो गई 3, दोनों इक्वल है, नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, यस। अब आई एम श्योर कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पर आप आराम से वैल्यू बता सकते हो, देखो भाई 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इस साइड, ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, फंक्शन एग्जिस्ट करता है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 2, 3,
जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट एग्जिस्ट करे, हो सकता है कि यहाँ पे गोला होता, चलो गोला बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो एफ ऑफ टू इक्वल टू थ्री नहीं है, बट फिर भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो किसको अप्रोच कर रहा है फंक्शन, थ्री को, तो टू पर लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई थ्री। टू पर जब राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो ये टू को अप्रोच कर रहा है, ये एरो इधर थ्री को अप्रोच कर रहा है, तो ये कितना आ गया थ्री। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद।